अकॉर्डिंग टू मी, जब हमारा किसी चीज़ को करने का इनर मोटिव प्योर एंड राइट होता है, मीन्स एनीथिंग वी डू विद अ गुड विल, देन वो वर्क एक्चुअल में गुड वर्क में काउंट होता है। देन हमें हमारी गुड एक्शन के बदले श्योर गुड रिएक्शन ही मिलती है यूनिवर्स से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग भिखारियों को पैसे नहीं देते, वही कुछ लोग दे देते हैं। इस केस में आप किसे सही कहेंगे, कौन सा काम एक्चुअल में अच्छा काम है? देन अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है। पैसे देने वाला सही है यदि उसकी हार्डली विश है उस भिखारी की कुछ मदद करने की, वही सेम पैसे देने वाला एक बैड एक्शन है यदि आप ये सिर्फ आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और पैसे नहीं देने वाला भी सही है क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहा कि कहीं वो भिखारी उन पैसों से कुछ गलत काम ना कर दे। सो अगर हम लेसन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो वो काम जो आप अपने दिल की आवाज़ सुनकर करते हैं, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उस काम को करने की, फिर करते हैं, देन वो 100% एक गुड एक्शन है जिसकी आपको गुड रिएक्शन उसी समय या नियर फ्यूचर में मिलती है। सो अगर आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा गुड रिजल्ट चाहते हैं, देन ज़्यादा से ज़्यादा गुड एक्शंस कीजिए। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड एक्शंस तभी करते हैं जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, यानी कि अपनी इनर वॉइस, न कि दिमाग की कि उसने ये कहा था या फिर वहाँ पे वो माना जाता है या मेरे रिलीजन में ये सही है एट्सेट्रा। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट इन वन सेंटेंस, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, देन दिस इज गोना बी 100% गुड एक्शन विच रिजल्ट्स इन अ श्योर गुड रिएक्शन। बाय डियर, टेक केयर।